everyone. So today we'll be learning how to make a wing liner. So wing liner ka purpose ye hota hai to make the eyes look very elongated, to make it look pop out. Zyada eyes ko enhance karne ke liye we do a wing liner. Jinki eyes छोटी होती हैं, जिनको होता है कि अपनी आईज थोड़ी इन्हांस और बड़ी, उनको बड़ा दिखाने के लिए वी मेक अ विंग लाइनर. सो टुडे विल बी यूजिंग अ पेन. इट्स बेसिकली आई लाइनर इन अ पेन फॉर्मुलेशन. आजकल ये बहुत कॉमन है और आपको हर जगह मिल जाएगा. लेट्स गेट स्टार्टेड. I'll be using Tarteist black. Black is black liner है ये. और you can even use pot liners आते हैं, जो भी liners आपको पसंद हो. But preferably for a wing liner go for a pen like liner. Why? Because आपके लिए वो shape बनाना easy रहेगा. So that's how it is. Quite pointy if you may see. अब आपको क्या करना है, आप अपने आई लिड को स्ट्रेच करिए सो दैट यू कैन ड्रॉ ईजिली ऑन योर आई लिड्स. जस्ट स्ट्रेच देम आउट, एक पॉइंट बनाइए फ्रॉम विच आप अपने विंग लाइनर की शेपिंग करेंगे पूरी. एंड मेक श्योर दैट यू हैव टू गो फ्रॉम थिक टू थिन. हमेशा लाइनर को लगाने के लिए यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द आउटवर्ड्स एंड देन गो इनवर्ड्स. एक अपना मार्क बना लीजिए. अब ये मार्क बना के यू हैव टू पुट इट टिल द सेंटर. आपको सेंटर तक लेकर आना है ताकि वो विंग एंड से प्रॉपर थिक लाइनिंग आए उसकी. अब मैंने क्या किया है, मैंने सिंपली एक उसी लाइन को फॉलो करते हुए एक थिन लाइन करी है. ऑलवेज़ मेक श्योर जो आपकी इनर लिड एरिया है, इनर एरिया में आप थिन लाइनिंग करेंगे सो दैट वो आईज इलोंगेटेड आए. एंड जस्ट जॉइन इट टू द विंग दैट यू मेड. ये आपकी स्किन का एरिया जो दिख रहा है, मेक श्योर कि आप उसको फिल करें. नाउ दिस एरिया दैट यू हैव मेड द मार्क, यू हैव टू फिल इट इवन मोर टू मेक इट अ बेटर विंग्ड शेप. सो सिंपली जस्ट फिल इन. And there you go. That's how simple it is. And just look at the difference between this eye and this eye. ये आपको बड़ी इलोंगेटेड लगेगी. सो दैट इज़ द पर्पस ऑफ अ विंग आई. लेट्स टू द अदर साइड द सेम प्रोसीजर. यू स्टार्ट फ्रॉम द आउटवर्ड एंड देन यू गो टू द इनवर्ड्स. आउटवर्ड्स यू मेक इट, यू मेक श्योर कि वो थिक रहे. एंड इनवर्ड्स जाते जाते यू मेक द लाइन वेरी थिन. अपना एक आप मार्क बना लीजिए and simply उसी line को follow करते हुए you have to come till the center.
अगेन ये जो आपकी स्किन दिख रही है, मेक श्योर दैट यू हैव टू फिल इट इन, वरना वो अब आपकी जो स्किन दिख रही है तो स्माइली स्मॉल स्मॉल स्पॉट्स, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू फिल इट इन, वरना वो लाइनर कंप्लीट नहीं लगेगा। अब एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बताना चाह रही हूँ, दैट लाइनर को थोड़ा और डार्क करने के लिए, लाइक आपने लाइनर तो लगा दिया, लिक्विड लाइनर लगा दिया, टू मेक इट इवन मोर डार्क एंड टू मेक इट इवन मोर प्रोमिनेंट, यू कैन यूज़ अ काजल ऑन टॉप ऑफ इट। उससे क्या होता है, जो आपका लिक्विड लाइनर है वो फिक्स हो जाता है। सो सिंपली आप एक काजल ले लीजिए, सो आई विल बी टेकिंग अर्बन डीके का ग्लाइड ऑन आई पेंसिल, इट्स अ काजल, अपने लाइनर के ऊपर। जस्ट अप्लाई एंड जस्ट लुक एट द डिफरेंस। एक दिस विल सेट योर लाइनर ऑल्सो एंड इट विल इन्हेंस, इट विल मेक इट इवन मोर ब्लैक। और आपको नई शेपिंग उसकी अलग नहीं करनी है, यू हैव टू सिंपली ओवरले द लाइनर जस्ट टू मेक इट डार्क, दैट्स ऑल। That's all, it's done. So you can see, so मैं लाइटिंग कम कर देती हूँ। आई होप यू एंजॉयड द लाइनर लुक एंड आई होप दैट इट्स अ न्यू ट्रिक टू यू, होप यू इट्स प्रैक्टिस इट एंड try it at home.